नमस्कार, गुडले बैडलक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। पैसे की चाहत किसको नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, धन दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, होटल्स हो, उसके घर हो, फ्लैट्स हो, सब कुछ हो। लेकिन ये सब कुछ कैसे आ सकता है? आ सकता है वो एक पैसा। और पैसा कैसे कमाया जाता है आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये हम जानते हैं। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि घर बैठे आसानी से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसे कहा जाता है सट्टा किंग। और सट्टा किंग ही एकमात्र खेल है इस पूरी दुनिया में जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से लाखों करोड़ रुपये बना सकते हैं और जीत सकते हैं। अब वो कैसे? दरअसल सट्टा किंग एक प्रकार का ऐसा खेल है जिसे संभावनाओं के आधार पर खेला जाता है। सट्टा किंग में बहुत सारे स्थान होते हैं और आपको उन्हीं स्थानों में से किसी एक स्थान पर दांव खेलना होता है। और उन स्थानों के नाम है जैसे गली, दिशावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ऐसे होते हैं। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। मान लीजिए कि आप दिशावर में 25 नंबर पर दांव खेलते हैं और अगर अगले ही दिन दिशावर में 25 नंबर आ जाता है तो ऐसे में आपने उस पर नंबर पर जितना भी रकम लगाया है अगले दिन वही नंबर आ जाता है तो ऐसे में आपने जितना पैसा लगाया है वो उस पर कई गुना पैसा लगाकर आपको वापस मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके द्वारा जताई गई संभावित संख्या यानी कि जिस नंबर पर आपने दांव खेला है अगले दिन वो नंबर नहीं आता है, उसके बजाय कोई दूसरा तीसरा नंबर आ जाता है तो ऐसे आपने जितना पैसा लगाया है वो सारा पैसा डूब सकता है। तो थोड़ा सोच समझ कर इस खेल में हाथ आजमाइएगा। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आज की विनिंग लिस्ट दिखा देते हैं। विनिंग नंबर जाने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि विनिंग नंबर क्या होता है। तो दरअसल जिस नंबर पर आपने दांव खेला है अगले दिन वही नंबर आ जाता है तो सट्टा किंग की दुनिया में उसी को विनिंग नंबर कहा जाता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, न्यूज रूम पोस्ट ऐसे किसी भी जोखिम और प्रतिबंधित खेलों का समर्थन नहीं करता। इसे आप अपने इस पर खेलें। फिलहाल गुडले बैडलक में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।